Hey guys, welcome to my channel. In this video, I'm going to create this makeup look for Durga Puja or Durga Ashtami. I know, मैं थोड़ा सा late हो गई हूँ, but here I am with this look. So अगर आप जानना चाहते हो कि ये look मैंने कैसे किया है, please continue watching. To start with, मैं use कर रही हूँ ये Swiss Beauty का Vitamin C Serum. इसे अच्छे से मैं अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर लूँगी. उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ ये मॉइस्चराइजर फ्रॉम अ कोरियन ब्रांड IOPE. फिर मैंने यूज़ किया है पर्पल का लिप बाम. सारे प्रोडक्ट्स की डिटेल्स मैं स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंशन कर दूंगी. आफ्टर दैट आई एम यूजिंग ब्लू हेवन का प्राइमर. एंड फॉर फाउंडेशन मैं यूज़ कर रही हूँ ये मार्स की फाउंडेशन. इसे पहले डॉट डॉट करके मैं पूरे फेस पे अप्लाई कर लूंगी. फिर एक वेट ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसे ब्लेंड कर लूंगी. पहले मैंने एक साइड पे इसे ब्लेंड किया है और आप डिफरेंस देख सकते हो. इट्स अ मीडियम टू फुल कवरेज फाउंडेशन एंड आई रियली एंजॉयड यूजिंग दिस. और अपने नेक को ना भूलना नहीं है. एक ब्रश की हेल्प से मैं अपने नेक पे भी अप्लाई कर लूंगी टू मैच इट विद माय फेस. उसके बाद कंसीलर के लिए मैं ले रही हूँ स्विस ब्यूटी का पेन कंसीलर और अपनी अंडर आईज पे इसे अप्लाई कर लूंगी. इसमें थोड़ा सा ऑरेंज टिंट है तो डार्क सर्कल्स के लिए भी काफी अच्छा है. उसके बाद फॉर हाईलाइटिंग मैं यूज कर रही हूँ LA Girl Pro कंसीलर और इसे मैं अपनी अंडर आईज पर, नोज पर, फोरहेड और चिन पर अप्लाई कर लूंगी. फिर एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी. इफ यू प्रेप योर स्किन रियली वेल तो बेस बहुत ही अच्छा होता है एंड आई वॉज रियली वेरी हैप्पी विद माई बेस. अब मैं ले रही हूँ रेवलॉन का नियरली नेकेड लूज पाउडर और जहां जहां पे मैंने कंसीलर अप्लाई किया था वहां मैं इसे लगा लूंगी ताकि कंसीलर क्रीज ना हो. बट ये थोड़ा सा डार्क लग रहा था मेरी स्किन टोन के हिसाब से. दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग मेबलिन फिट मी कॉम्पैक्ट और इससे मैं अपने कंसीलर को सेट कर लूंगी और एक ब्रश की हेल्प से ना पूरे फेस पे स्प्रेड कर लूंगी. फिर मैं यूज कर रही हूँ ये स्विस ब्यूटी की शेप माई ब्राउज आईब्रो पैलेट और मेरी आईब्रोज में ना उस दिन थोड़ा डिफरेंस लग रहा था तो मैं यहाँ पे चेक कर रही हूँ. उसके बाद मैं यूज कर रही हूँ ये W7 का आई शेडो पैलेट एंड उसमें से मैं ये रस्ट ब्राउन कलर अपने आउटर कॉर्नर पे अप्लाई कर लूंगी. आफ्टर दैट आई ट्राइड दिस वायरल आईलैश कलर हैक. इट वॉज ओके बट बाद में ब्रश से थोड़ा सा सेट कर लेंगे. फिर मैं ये लाइट कलर लेके आउटर कॉर्नर पे ब्लेंड कर लूंगी और अपनी लोअर लैश लाइन पर भी अच्छे से ब्लेंड कर दूंगी. फिर मैं यूज़ कर रही हूँ ये स्विस ब्यूटी की लिक्विड आई शेडो. एक फ्लैट शेडर ब्रश की हेल्प से मैं अपनी हाफ आईज पर इसे ब्लेंड कर लूंगी टू मेक इट लुक लाइक कट क्रीज. पर हमने यहाँ पे कोई कट क्रीज नहीं किया है. इसका कलर पे ऑफ बहुत ही ज्यादा अच्छा है एंड दे आर रियली अफोर्डेबल एज वेल. आप देख सकते हो कलर कितना वाइब्रेंट लग रहा है. उसके बाद ये ब्राउन शेड पिक किया है और इसके एजेस पर अच्छे से अप्लाई कर लेंगे ताकि कोई हार्श लाइन नहीं लगे. फिर ये डार्क ब्राउन शेड आउटर कॉर्नर्स पे अप्लाई करेंगे और एक क्लीन फ्लफी ब्लेंडिंग ब्रश से कुछ ब्लेंड कर देंगे. काजल के लिए मैंने मेबलिन का ग्रीन काजल यूज किया था बट ये ड्राई हो गया था तो अच्छे से अप्लाई नहीं हुआ. फिर मैंने यूज किया है बेला वोस्टे का वाइट काजल. फिर मैं यूज कर रही हूँ जैकलिन हिल का आई शेडो पैलेट और ये बिल्कुल टूट गया था. उसमें से मैंने एक ग्रीन कलर पिक किया है और अपनी लोअर लैश लाइन के नजदीक इसे अप्लाई कर लूंगी. फिर एक ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे. और वो व्हाइट काजल ज्यादा सूट नहीं कर रहा था तो उसकी जगह पे मार्स का ब्लैक काजल अप्लाई किया है. फॉर हाईलाइटर मैं यूज कर रही हूँ ये वेट एंड वाइल्ड का हाइलाइटर और इसे मैं अपनी ब्राउ बोन पे, आईज के इनर कॉर्नर्स पे अप्लाई कर लूंगी. आफ्टर दैट आई एम यूजिंग हिलेरी रोडा का लिप लाइनर इन द शेड रेड और इससे अपने पूरे लिप्स को फिल कर लेंगे फॉर दैट इवन बेस अंडरनीथ. एंड फॉर लिपस्टिक आई एम यूजिंग स्विस ब्यूटी की लिपस्टिक इन द शेड वाइन रेड. ब्लश भूल गए थे तो वो भी अप्लाई कर लेंगे एंड हेयर इज द फाइनल लुक. आई रियली होप यू एंजॉयड दिस वीडियो. इफ यू डिड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. ऑल्सो प्रेस दैट बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशन every time I post a new video. Until then, bye bye.